ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। वाणी की ओरिजिनल डेट है 23 मार्च 1988। सार है महावाक्यों का, दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा बच्चों की निशानियाँ। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा बच्चों की निशानियाँ। वैसे तो बाबा कहते हैं कि हर बच्चा प्यार के सब्जेक्ट में पास है, लेकिन फिर भी आज बाबा कहते हैं जो बिल्कुल दिलाराम बाबा के दिल तख्त पर बैठने वाले बच्चे हैं, ऐसे दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ आज समझा रहे हैं। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा, दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, अंडरलाइन करना, जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं, नेचुरली बजते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ऐसे बच्चों को। दिलाराम बाप की याद के मधुर साज उनके दिल में सदा और स्वतः बजते रहते हैं। ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। ये जो दिल में स्नेह के साज बजते हैं ना, उन्हीं से बाबा की दिल को वो जीत लेते हैं। तो बाबा की दिल को जीतने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अपने दिल में जब स्वतः और सदा बाबा की याद के, बाबा के स्नेह के साज बजेंगे, तो हम बाबा की दिल पर है ना राज करेंगे। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः ही माया जीत जगत जीत है ही। जब सबसे ऊंचा तख्त बाबा का दिल तख्त ही जीत लिया, तो फिर माया और जगत जीत, माया जीत जगत जीत तो जैसे बन ही गए। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना, ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वो स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। और ऐसे तख्त नशीन आत्माएं जो इतने ऊंचे तख्त पर बैठी है ना, प्रकृति माया सब कुछ उनके सामने जैसे अपने आप ही नतमस्तक हो जाते हैं। उनके दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में भी सदा ऐसा विजयी बच्चा है ना। ऐसे विजयी होंगे तभी तो सदा और स्वतः बाप की याद के ही साज बजेंगे। तो बाबा कहते उनके दिल में भी सदा बाबा है और बाबा के दिल में भी सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते, दो ही गीत उनके दिल में बजते हैं, एक बाप और दूसरा सेवा। क्योंकि बाबा की याद रहना मतलब बाबा क्यों परमधाम से आए हैं वो पर्पस पे याद रहना। सदा एक ही गीत बजता है कि मेरा बाबा और मैं बाप का,
ठीक है, चेक करना ठीक से। मेरा बाबा गीत बजता है लेकिन साथ में मैं बाप का भी। जब मेरा बाबा गीत बजेगा ना तो सदा बाप याद रहेगा, और मैं बाप का ये गीत बजेगा तो क्या याद रहेगी? सेवा। क्योंकि जब बाबा मेरा तो मैं बाबा का, मैं मेरा सर्वस्व बाबा की सेवा में अर्पण है। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा। अब समझ आया, सौदा ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, सिर्फ बाबा बाबा करते रहो, नहीं, बाबा का बनना भी है। और जिनके दिल में बाबा और सेवा दोनों रहते वो बाबा के दिल तख्त जीत होते हैं, और ऐसे बच्चे स्वतः ही माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं, कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। अब बच्चे हैं, दिल में उस बच्चे के साज भी है, मैं बाबा का बाबा मेरा, लेकिन सदा एक ही साज बज रहा है या और भी ट्यून चेंज होती है? बाबा ध्यान से हमेशा सुनते रहते हैं। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं, है ना? देह अभिमान कैसे ना, दोनों तरफ से काम करता है। कभी कहेंगे मैं किसी लायक नहीं, कभी कहेंगे मैं ही सब कुछ हूँ, है ना? तो बाबा कहते बाप को दोनों सूरत में भूल जाते हैं, तो कभी कभी दिल का सांस जो है वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला जाता है। तो बाबा कहते कभी कभी तो अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, और कभी बाप के बजाय अपने गीत गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप ही करते हैं। बाप में आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। बाबा कहते हमें कोई अपनी महिमा करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा की महिमा मतलब मेरी महिमा, है ना? मैं कौन हूँ? मैं तो बाप का ही हूँ ना। लौकिक में भी बाप की महिमा मतलब बच्चे की भी महिमा। तो बाबा कहते ऐसे बाप की महिमा में मेरी महिमा समाई हुई है, अलग से महिमा हो ये आस नहीं रखनी है। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त बच्चे हैं, ध्यान देना, जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं ना, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। दिल तख्त जीत बच्चों के हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। देखो, ईगो मतलब एज गॉड आउट। जहाँ ईगो आती है ना, वहाँ मैं और बाबा अलग हो जाते हैं। लेकिन जहाँ देह अभिमान नहीं है, मैं बाबा का बच्चा हूँ ये समझ आ गई है, तो फिर अपने हर कर्म में क्या दिखाई देगा? बाबा। दृष्टि में भी बाबा दिखाई देगा, बोल में भी, कदम में भी, हर कर्म में बाबा दिखाई देगा। मतलब अपने जो पुराने संस्कार थे, चाहे उन पुराने संस्कारों में कोई विशेषता भी थी, कोई गुण भी था, लेकिन उस पर भी बाबा की छाप ऐसी पड़ जाएगी कि ऐसा नहीं लगेगा ये इनों की विशेषता है। हमारे हर कदम में, हर कर्म में ऐसा लगेगा जैसे ये कौन है जो इनसे ये करवा रहा है। तो बाबा की, अब सोचो हम कौन हैं? हम तो साधारण थे ना। बाबा
जो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का सागर है, उन्होंने हमें विशेष बनाया। तो जब सागर से हम जुड़ते हैं तो हमारी झलक, हमारी फलक कैसी होगी? साधारण नहीं, बहुत दिव्य होगी। और जब हम अपने आप सेवा करते हैं, है ना, संबंध संपर्क में आते, हम अपनी विशेषता में रहते हैं, तो जैसे गागर से उनका संपर्क होगा। लेकिन बाबा की याद में है, समाए हुए लवलीन होकर सेवा कर रहे हैं, तो बाबा का प्यार, बाबा की पवित्रता, बाबा के गुण उस आत्मा को अनुभव होंगे और उनकी दृष्टि बाबा तक जाएगी। रचना को देखकर रचता का संकल्प आएगा। तो बाबा कहते, चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल, है ना, साधारण बोल नहीं, शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं है। बाबा के साथ जो बाबा के दिल तख्त जीत बच्चे हैं ना, जिनके दिल में एक बाबा समाया हुआ है, वो ऐसे कंबाइन रहते हैं कि जिस समय वो बोल बोले तो बाबा के बोल, बाबा की शक्ति के साथ, बाबा के स्नेह के साथ ऐसे मुख से निकले कि आत्मा को संकल्प आई है, आत्मा के बोल तो नहीं हो सकते, कौन है जिसके ये बोल बोल रहे हैं। तो ऐसा संकल्प आए कि ये बोल आत्मा के नहीं है लेकिन श्रेष्ठ ऑथोरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम है। जो भी हमसे कोई भी बात सुनकर जाए, एक एक कदम सीख कर जाए, डायरेक्शन ले, तो समझ आए कि ये परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं, और फरिश्ते हमेशा भगवान के फरिश्ते होते हैं, खुदा के फरिश्ते कहते हैं। तो फरिश्ते को देखे तो खुदा याद आता है कि इनको किसने भेजा है। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। जो दिल जीत बच्चे होते हैं उनके द्वारा बाबा की झलक दिखाई देती है, उनके हर कर्मों में बाबा की तरफ इशारा मिलता है। तो ऐसे बच्चे दिल जीत और जगत जीत बनते हैं। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से कहें बाबा ऐसा है, बाबा यहाँ रहता है, वो साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। ये न्यारापन है, नवीनता। न्यारापन क्या है कि बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। जब हमारे बोल से, हमारे कर्म से बाबा दिखाई देगा और उनका संबंध बाबा से जुड़ेगा तो उनको गति सदगति की राह मिलेगी, है ना। अगर हमसे जुड़ेंगे तो क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन जब हमारे बोल के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा बाबा से जुड़ेंगे तो बाबा तो सदगति दाता है, तो बाबा से गिफ्ट मिलेगी। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है, या अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है।
अब ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य आत्मा की महिमा क्या होगी? यही होगी बोलने की कला अच्छी है ना, या अथॉरिटी से बोलते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, ये बातें आएंगी। लेकिन बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, इससे कोई उनको सदगति की राह थोड़ी मिलेगी। शिव बाबा जिस बच्चे के लिए परमधाम से नीचे आए हैं, उसका बाबा से संबंध ना बने और बाबा और उसके बीच में हम आ जाए, वो हमें देखे लेकिन हमें बनाने वाले बाबा को ना देख सके, तो ये तो मैं समझती हूँ कि सेवा का उल्टा ही हो गया। तो बाबा कहते हैं ये तो और आत्माओं की भी महिमा हो जाती है ना, कि कॉन्फिडेंस है, बोल बहुत अच्छे बोलते हैं, बोलने की कला है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं, है ना? बाबा कौन है? पवित्रता का सागर, सत्य ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिवान। तो बाबा के साथ का अनुभव हमारे बोल के द्वारा करें, वो पवित्रता की, स्नेह की भासना, बाबा के प्यार की भासना हमारे बोल से उस आत्मा को मिले। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। सबकी नज़र बाबा की तरफ ऐसे ही जाएगी। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज़ दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। मुख द्वारा क्या निकलता है? दिल का आवाज़। और दिल में यदि दिलाराम है तो हमारे मुख द्वारा दिलाराम प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में, मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, या मेरा बोल सुनकर सिर्फ ये सोचते हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनको बहुत कुछ आता है, या सोचते हैं कि ये कौन है, ये कोई आत्मा की ताकत तो नहीं लगती, इतना प्यार, इतना सत्य ज्ञान, इतना शक्ति स्वरूप, ये कहाँ से आता है? क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। हर कर्म दिव्य अलौकिक है, श्रेष्ठ कर्म है, जिसको देखकर व्यक्ति सोचे ऐसे कर्म किसने सिखलाए इन्हें। जिसके दिल में सदा बाप है वो स्वतः ही सन शोज फादर, मतलब बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, समीप अर्थात समान बच्चा है ना। जिसके दिल में सदा बाप है, उनके हर कर्मों से, हर कदम से बाबा की प्रत्यक्षता होती ही रहती है। अपने आप से पूछना, हमें ये निशानियाँ हैं चारों ओर, अभी ये आवाज़ गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा है ना। ब्रह्मा कुमारियों को देखते उनका संबंध किससे जुड़े? अपने बाबा से। तो बाबा कहते हर तरफ ये आवाज़ गूंजे हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब ये आवाज़ गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुलेगा, क्योंकि हर आत्मा को, हर बच्चे को इसी लोक में, है ना, परमधाम में तो ये पता नहीं चलेगा ना ये मेरा बाबा है। हर आत्मा को इसी साकारी लोक में दिल से ये शब्द निकलेगा कि मेरा बाबा है, तब गेट खुलेगा।
क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले। बाप से वर्षा मिलेगा तो मुक्ति का वर्षा भी कब मिलेगा? जब हमारा बाबा मिले। और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। तो वापस कब जाएंगे? जब दिल से मेरा बाबा हर आत्मा के दिल से निकलेगा। हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज़ कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। बच्चा बाप को पहचाने, इतनी अंजलि तो हर बच्चे को मिलेगी ना। लेकिन ये अंजलि दिलानी किसको है? ये जिम्मेवारी है किसकी? तो बाबा आज कितना अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हम बच्चों की जिम्मेवारी है कि हम अपने हर कदम से, हर कर्म से, दृष्टि से, बोल से आत्माओं को बाबा की तरफ अटेंशन दिलाएं। और हर आत्मा अंत से पहले अपने बाबा से अंजलि ले ले। आपने सागर को हप किया, लेकिन वो एक बूंद के प्यासे, उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, तब ये आवाज़ गूंजेगा। अब हम साधारण कर्म नहीं कर सकते। हमारा हर कर्म, हर कदम ऐसा बाबा के रंग में रंगा हुआ हो कि हमें देखते भी जैसे हमें नहीं, बाबा की तरफ बुद्धि जाए। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। लेकिन जब हमारा जीवन का हर अंग संपूर्णतः हम बाबा के रंग में रंगे हुए होंगे, दिल में भी बाबा, मन में भी बाबा, चित्त में भी बाबा, तभी हमारे हर कर्मों से बाबा दिखाई देगा। तो ऐसे दिल रुबा बने हो ना, बने हैं ऐसे। कल भी बाबा ने कहा ना, सवेरे उठकर प्यार से याद करो, इतना प्यार हो कि बाप समान प्यारे बन जाए, इतना प्यार हो कि बाप समान पवित्र बन जाए। बाबा कहते ऐसे दिलरुबा बने हो ना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। एक ही गीत गाना है, दिल में एक ही बाबा, बाबा के महावाक्य, बाबा का प्यार, बाबा का ज्ञान, बाबा का सब कुछ। सिर्फ दो शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके। किसी से मिलते हैं ना, सिर्फ दो शब्द, ओके, बहुत है। रूरिहान करो, बाबा ने उस दिन ओके का अर्थ भी समझाया था ना। ओ किसकी याद दिलाता है? बाबा। और के मतलब किंगडम, वर्षा। तो बाबा कहते ओके में ही बाप और वर्षा दोनों। दिल से सदा ओके कब निकलेगा? जब बाप भी याद है और वर्षा भी याद है। तो हमारी स्थिति ऐसी ओके वाली हो, इतनी खुशी हो बाप के मिलने की, वर्षे को पाने की, कि हमसे मिलते ही लगे इनकी इनकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ओके है। रूरिहान करो, रूरिहान मतलब
खुशी की बातें, शांति की बातें, शक्ति की बातें सुना। दुनिया में किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ना, हम तो दुख सुख सुना, दुख सुख लेन देन कर रहे थे, तो और कुछ है ही नहीं लेने देने को। रूरिहान है, रूरिहान मतलब आत्मा की बातें, बाबा की बातें, आदि मध्य अंत की बातें, शक्ति की बातें, शांति की बातें, श्रेष्ठता की बातें, यही चले। और गीत सुनाने लिए टाइम न दो न लो, उनको भी अपने ही साज में है ना मोड़ दो। ऐसा नहीं कि वो दूसरे ट्रैक पे चले जाए, वो दूसरी बातें सुनाए, ना और कोई गीत सुनाओ न सुनो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, और ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है ना। तो राम कथा को राम कथा क्यों कहते हैं? दुनिया में वैसे भी कहेंगे ना, अभी देखो इनकी रामायण शुरू हो गई है ना, या ये तो राम कथा ही सुनाते रहते हैं। अब राम कथा क्यों? क्योंकि श्री राम कब आएंगे? त्रेता युग में। तो बाबा कहते राम कथा मतलब जो हारने वाली आत्माएं है ना, विजयी नहीं बनने वाली है ना, त्रेता युग की आत्माएं, वो ऐसे विस्तार में जाते हैं। जो सत्ययुगी आत्माएं हैं, सूर्यवंशी है ना, कृष्णपुरी की आत्माएं, वो तो बिल्कुल ओके में रहते हैं, फुल स्टॉप में, याद में। थोड़ी खुशखबरी सुनाई, बस ख़त्म। बाप दादा ऐसे बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना? राम कथा करते हो या ओके फुल स्टॉप है हर बात में? अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, तब तो 550 करोड़ थी, अभी तो कितनी ज़्यादा हो गई हैं। कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। अब एक एक आत्मा को एक बूंद भी मिलनी है बाबा के प्यार की, पालना की, तो भी कितना बड़ा कार्य अभी भी रहा हुआ है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, है ना, चलो थोड़ी अंचली लेंगे तो द्वापर युग में भी तो भक्त बनेंगे ना, या अगर सत्ययुग त्रेता युग में आएंगे तो प्रजा ही बने चाहे, चलो कोई वारिस नहीं बना, लेकिन थोड़ा बहुत तो लेकर जाएं। देवता बनेंगे तो भी देना ही है, और भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, बाबा कहते भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे तो भगत भी चाहिए, तो देंगे तब तो देवता समझकर पूजेंगे। देवता क्यों कहेंगे हमें? देवता नाम क्यों पड़ेगा? क्या दिया है हमने जो देवता कहलाएंगे? तो बाबा कहते जो तुम्हें बाप से मिला, वो बिना अपने दे अभिमान के मिक्सचर के बिल्कुल प्योर, वो एनर्जी हम जब अन्यों को देंगे तब तो देवता कहलाएंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो? प्रजा तो स्वर्ग में राजा रानी को मात पिता के रूप में देखेगी, तो इतनी पालना प्रजा को मिली होगी, तभी तो वो भाव तब जागेगा ना। तो इतनी पालना, इतना प्यार किस समय पाया? इस समय। तो बाबा कहते बाबा जो हमें दे रहे हैं वो सब कुछ जब हमारे द्वारा आत्माओं को मिलेगा, तब तो प्रजा बन हमें मात पिता की तरह मान और स्नेह देंगे। राजा भी मात पिता ही है, दोनों ही रीति से है ना, चाहे भक्ति में चाहे स्वर्ग में, राजा बना समझकर हमें मात पिता समझे, दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बनकर देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है ना। दाता बनकर देना है,
लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है ना, तभी उसको कहेंगे सच्ची सेवा। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, एक बच्चा भी छूट ना जाए, है ना। ऐसा नहीं हमने तो सेंटर खोल दिया, अब जो आए सो आए, नहीं, हर आत्मा तक कैसे पहुँचे। सारे दिन किसी को मनसा से, किसी को वाचा से, किसी को संबंध संपर्क से, कैसे हम बाबा का ऐसा आईना बने कि हमारे में बाबा की सूरत वो देख ले। बाबा कहते सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है, सभी पर करना है, किसी का उलहना नहीं रहना चाहिए। कोई अंत में ना कहे कि मेरा बाबा आया और मुझे पता नहीं चला। हर आत्मा अपने बाबा को पहचान पाए, दिल से मेरा बाबा कह पाए, मुक्ति का वर्षा पाले, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं मधुबन में तो, है ना। जैसे ही खुली छुट्टी मिलती है तो सभी बच्चे दौड़ कर आ जाते हैं, विदेश से भी उड़ कर आ जाते हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, बड़े परिवार में रहना आता है ना, बड़े परिवार में थोड़े में खुश हो जाना होता है, क्योंकि बड़े परिवार में ऐसा नहीं होता सबको बहुत बहुत मिल पाए। जब बहुत हो जाते हैं तो बट जाता है, समय भी बांटना पड़ता है। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे ना। बाबा तो पूरी पूरी रात बच्चों से मिलते ही रहते थे, तो रात को दिन भी बना दिया बाबा ने, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो, बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर वन है। बाबा कहते नंबरवार हर आत्मा यथाशक्ति बाबा का स्नेह अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा का स्नेह हर आत्मा के लिए नंबर वन है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा है, नहीं, सबसे ज़्यादा है। अगर मैं अनुभव नहीं कर पा रही तो मुझे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बाप का प्यार किसी के लिए कम नहीं। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है ना। पहले तो बाबा पर्सनली भी मिलते थे, तो समय की सीमा को देखते हुए कभी किसी से ज़्यादा बोलते हैं, कभी कम बोलते हैं, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता है। ध्यान दो कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं, दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता है, बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर वन है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं, बाबा कहते हैं जब तक नंबर आउट नहीं हुए बाबा के लिए तो हर बच्चा नंबर वन है। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन है, कोई भी नंबर वन हो सकता है। बाबा तो हर एक को खुली छुट्टी देते, अंत तक बाबा कहते हैं हर एक को इक्वल पुरुषार्थ करने का मौका है। सुनाया ना, नंबर वन तो ब्रह्मा बाबा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिविजन, बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिविजन। तो बाबा नंबर वन किसे कहते हैं? जो भी आत्माएं ब्रह्मा बाबा के साथ फर्स्ट डिविजन में आती है ना, उन सब को बाबा कहते हैं नंबर वन। उनों को भी नंबर वन कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। भल आज का पुरुषार्थ देखो तो बहुत कम है, लेकिन बाबा उस बच्चे में भी पूरी उम्मीद रखते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं
कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है ना। तो जब बाप हम पे उम्मीद नहीं छोड़ता तो हम क्यों स्वयं में उम्मीद छोड़ें। जब बाबा कहता है मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरे दिल में भी यही आना चाहिए, बाबा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो बाबा कहते कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज़ चलते हैं ना, वो नज़दीक पहुँचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं, है ना, ऐसा नहीं ठंडे पड़े हैं, चल रहे हैं, उन्होंने अपनी गति ऑप्टिमम स्पीड को पहचाना है, थके नहीं हैं, दौड़ने की कोशिश करके थक नहीं गए हैं, लेकिन अपनी गति से, तरीके से, मर्यादा पर चलते रहे हैं, तो वो पहुंच जाते हैं, है ना। हमेशा कछुए और खरगोश की कहानी सुनते थे ना, तो वो कहानी भी यहाँ पर लागू होती है। इसीलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर वन है। तो बाबा कहते अभी पूरा पर्दा खुला नहीं है, पता नहीं है। एक बार गुलजार दादी जी ने साक्षात्कार किया था, जो फाइनल में आत्माएं आने वाली है ना उनका, तो दादी ने कहा इनमें से कईयों को तो अभी जानते भी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अंत में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन सब ध्यान रखें हमारी गति कैसी है, क्या हम सचमुच, है ना, बाबा ने कहा ना तरीके से चल रहे हैं, तरीके से चल रहे हैं तो हो सकता है अंत में लास्ट सो फर्स्ट भी हो जाए। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है और ये फर्स्ट है। रिजल्ट से पहले बाबा कभी जजमेंट नहीं देते, अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। बाबा कहते सब उड़ो, खूब उड़ान भरो, किसी को मनाही नहीं है। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है दिल में भी। बाबा ने कहा ना दिल का प्यार शब्दों में नहीं बढ़ता, दिल का प्यार बाबा का है ही है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई। दो बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। बाबा कहते अगर संबंध मीठा है ना, तो दो बोल में ही ऐसा लगेगा बाबा ने जैसे वरदानों से झोली भर दी। बाबा का प्यार पालना सब दो बोल में ही अनुभव हो जाएगा। कोई नहीं कह सकता कि मुझे बाबा ज़्यादा प्यार करता है, और अगर कोई कहता भी है ना, तो क्या कहूँ उनसे, मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है, और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाबा तो मनुष्यों जैसे काम नहीं करते ना, बाबा तो सत्य ही कहते। तो बाबा कहते सचमुच मैं हर बच्चे को एक दो से ज़्यादा प्यार करता। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5,000 वर्ष के बाद मिले। इतने लंबे समय से दूर हुए बच्चों को बाबा कितना प्यार करते हैं, और सुनना, आज ध्यान से सुनना बाबा क्या कहते हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है ना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे निकाला है। आप विचार करो आप कितने सिकी लदे हो, जो आपको ढूंढने के लिए बाप आप तक आया, कहाँ किस कोने में बैठे हो बाबा वहाँ तक भी आपको ढूंढ कर पहुँचा है। इससे ज़्यादा और प्यार का क्या प्रूफ है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं।
और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। कभी क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाबा कहते हैं मेरा प्यार भी हर बच्चे के लिए है और हर बच्चे के दिल में भी मेरे लिए प्यार है, ये भी बाबा सर्टिफिकेट देते। बिना प्यार के हम भी बाबा के पास नहीं बैठते और बाबा भी बिना प्यार के हमें ढूंढ कर नहीं निकालते। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो पहले ही बाप ने दे दिया है। अच्छा, अब पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। 7 पॉइंट है प्यार से, ऐसे जैसे बाबा मेरे लिए पर्सनली उच्चार रहे हैं, ऐसे सुनेंगे। पहली पॉइंट, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हो, ये स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। एडिशन करो, कर्म तो करते ही हैं लेकिन कर्म में याद की शक्ति भर दो। तो बाबा तो पावर हाउस है ना, तो कर्म भी कैसा हो जाएगा, मास्टर ऑलमाइटी का कर्म हो जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे याद की शक्ति की एडिशन कर कर हर कर्म करते आगे बढ़ते चलो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। जब बाप का सहयोग मिल गया तो बाबा ने कहा ना, बाप के दिल तक तो जीत, तो प्रकृति जीत माया जीत सब है ही। तो सर्व का सहयोग लेने के लिए पहले अपने साथ बाप को रख लो, याद की शक्ति से काम करो। दूसरी पॉइंट, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य करने वाली न्यारी आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। कार्य में कर नहीं रही, कर्मेंद्रियों से करवा रही हो। मैं आत्मा साक्षी होकर बाबा की शक्ति, याद की शक्ति कैसे इस कार्य को करवा रही है मेरे द्वारा, उसको अनुभव कर रही हूँ। ऐसे न्यारेपन की, बाबा का प्यार अनुभव करते हुए हर कार्य करते साक्षी अवस्था में स्थित रहना है। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है, क्योंकि कार्य करना मुश्किल होता है, कार्य को देखना मुश्किल नहीं होता। बाबा करवा रहा है, मेरे ही द्वारा करवा रहा है और मैं भी बाबा के साथ बैठकर कार्य को होता हुआ देख रही हूँ और ऐसा लगता है हाथ लगाया और कार्य हो गया। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। ऐसा लगेगा सब कुछ हो रहा है और ये न्यारी प्यारी अवस्था में झूलों में झूल रहे। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा, ये कर्म कोई साधारण कर्म नहीं है। दुनिया में मनुष्य कर्म करता है, कितना कर्म कॉन्शियस हो जाता है, लेकिन ऐसे कर्म करने वाली मैं अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है ना, मेरी जीवन दिव्य है, अलौकिक है, श्रेष्ठ जीवन है। भल कर्म बहुत साधारण है, वही कर्म कर रहे हैं जो दुनिया में करते हैं, लेकिन विधि ऐसी अलौकिक है कि जीवन का अनुभव बहुत अलौकिक और श्रेष्ठ है। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो।
यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। कर्मातीत स्थिति अंतिम स्थिति कैसे बनेगी? जब हर कर्म करते ऐसे साक्षीपन का अभ्यास करें, इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा। श्रेष्ठ कर्म मतलब कर्म चेंज नहीं करना है, कर्म की विधि बदलनी। श्रेष्ठता के अनुभव में स्थित होकर साधारण कर्म भी किया तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। तीसरी पॉइंट, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। किसी के पास स्थूल खजाना बहुत होता है तो उसको कितना नशा होता है, और जिस आत्मा के पास अखुट रूहानी खजाने हैं उसकी झलक फलक में कितना नशा होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हो, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे और तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। चौथी पॉइंट, सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। निमित्त बन करके, निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है, जिम्मेवारी बाबा की। हम तो मैनेजर हैं, उनके बिहाफ पे संभाल रहे हैं। तो हल्केपन से निमित्त भाव हल्कापन लाता है। जब मैं करता हूँ ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावन हार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। पांचवी पॉइंट, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, यही अनुभूति होती है। सदा अनुभव होता है कि जैसे बाबा के गुणों की शक्तियों की छत्र छाया मुझ आत्मा पर सदा है, जैसे कोई छत्र छाया के नीचे चल रहा हो तो उसके जीवन का अनुभव कैसा होगा, ऐसा हमारा अनुभव है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा, ये खुशी रहती है ना, लेकिन ये खुशी किसे रहेगी? जो सदा श्रीमत की छत्र छाया में रहेंगे, श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे ना, उनको अनुभव होगा जैसे बाबा की छत्र छाया में पल रहे। और ऐसे श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाले कल छत्रधारी भी रहेंगे। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है, श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता, है ना। बाप की छत्र छाया के अंदर हो, ये चित्र सदा सामने रखो। और ये चित्र बुद्धि से कब खिसकता है? जहाँ पाप आता है ना, वहाँ बाप भूल जाता है। तो जहाँ श्रीमत की लकीर के अंदर है, हर कर्म श्रेष्ठ है, मर्यादा संपन्न है, तो जीवन का अनुभव ऐसा होगा जैसे छत्र छाया में पल रहे। छठी पॉइंट, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है कि
साकारी देह याद रहती, या बैठे हैं, चल रहे हैं, अपना फरिश्ता स्वरूप स्वयं की स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जब अभी ब्राह्मण जीवन में चलते चलते वो स्टेज बनाएंगे, चलते फिरते खाते पीते कर्म करते फरिश्तापन का अनुभव होगा, तब नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे देवता बनने की। ये पहेली हल कर ली है ना? पहेलियां हल करना आता है ना? सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्कर लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। हम ही देवता थे, अभी ब्राह्मण बने और अभी इतनी हल्की अवस्था में देवता बन रहे। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है ना? पहेली में क्या होता है, ऑपोजिट दिखने वाली चीज़ों का मेल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी ये पहेली पूरी बुद्धि में है, मैं ही ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना, जो अभी मिली है वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला है, स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए, है ना? तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा उनको कौन मिल गया, बाबा मिल गया। तो बाबा कहते हैं ये जो पहेली बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हो, जिसने ये पहेली हल कर ली, बुद्धि में बैठ गया, उनको प्राइज भी मिल गई। बाबा कहते हैं ऐसी प्राइज जो कल भी नहीं मिलेगी, कल भी हम देवता बनेंगे पर बाप नहीं होगा। भविष्य की राजाई के आगे ये प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा, इसी नशे और खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ, जिसे सत्य ज्ञान समझ में आ गया और बाप की पहचान मिल गई। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहें तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। बाबा याद रहे और मैं कौन याद रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे। सातवीं पॉइंट, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसा अनुभव होता है ना? बाबा ने हमें विधि क्या बताई, दृढ़ता लाओ, दृढ़ता की विधि से सफलता पाओ, दृढ़ संकल्प की विशेषता, कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देते। जिसका साथी सर्वशक्तिवान है स्वयं, उससे नहीं होगा तो कार्य और किससे होगा। ऐसा नशा रहे तो सफलता जैसे कदम चूमती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म बात है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्वउन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई आकर कहते हैं हम आपको दुआएं देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जब विशेष आत्मा बन जाते हैं ना हम, विशेष आत्मा माना गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा, तो ऐसी आत्माओं को सबके दिल से ऐसी आत्माओं के लिए दुआएं निकलती हैं। और ये जो दुआएं हैं वो दुआएं आत्मा में शक्ति भरती हैं और स्वउन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। ये दुआएं ऐसे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, दिखाई नहीं देती पर बहुत गति तीव्र बन जाती है स्वउन्नति की भी सेवा की भी। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को
सदा हर कर्म में संशोष फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाप के दिल तक जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। वरदान है आज का, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। खुशबू होती है ना, बहुत दूर तक पहुंचती है। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों में रूहानियत की खुशबू है, वाइब्रेशन, उन वाइब्रेशन के द्वारा आत्माएं खींची चली आएंगी और फिर हमसे मिलेंगी तो बाप का संदेश प्राप्त कर ही लेंगी। तो बाबा कहते विश्व कल्याण की ये बड़ी सहज विधि, रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर होते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे ना। वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जिसमें वृत्ति बदल जाती है, अपने आप ही आत्मा की जैसे बुद्धि मुड़ जाएगी, बाबा का परिचय संदेश थोड़े में ही बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इस रूहानियत की पावर से। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज़ करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। विश्व कल्याणकारी हम स्थूल मशीनरी से नहीं बन सकेंगे, सूक्ष्म मशीनरी ही अंत में विश्व कल्याण करेगी। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को मर्ज करने में मेहनत नहीं करनी है, व्यर्थ संकल्पों को मर्ज करने के लिए क्या करना है, अपने अंदर शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखने हैं। ओम शांति।